राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, नानी बायरो मायरो के हमारे प्रसंग चल रहे हैं और प्रसंग भी बहुत ही कह सकते हो कि वो प्रसंग जो दिल को छूते जा रहे हैं हमारे इंसानियत से। जैसे कहते हैं ना कि इंसान का सब कुछ उठता जा रहा है, वही सब नरसिंह जी के साथ हो रहा था, हुआ, और सही कहे तो आज भी वो सब चल रहा है। नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भाई, जो कुछ आपने मदद की वो तो मैं किसी से भी ले सकता था, ये कोई मदद है? टूटे फूटे गाड़ी के पलड़े, टूटे फूटे चक्के पहिए, और अब दो चार दिन के ये बैल पता नहीं कब दम तोड़ देंगे। आप कुछ तो सोच समझ के मेरी मदद करो। बोले भाई नरसिंह, जो हमारे पास था हमने कर दिया। बोले भाई, आप कम से कम मुझे लत्ता कपड़ा तो दो। अरे मैं नानी बाई के ससुराल जा रहा हूँ, अगर वहाँ मैंने किसी को कोई लत्ता कपड़ा नहीं दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब नरसिंह के भाई को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और क्रोधवश वो अब सीधे सीधे बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, नरसिंह, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अब और कुछ भी नहीं है। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो हमारी घर में भी पूछनी है। तुम्हारी भौजाई, तुम तो जानते ही हो उसका स्वभाव कैसा है, जानते हो, अगर सुनेगी तो बहुत सुनाएगी मुझे। नरसिंह जी कहते हैं कि देखो भाई, कुछ तो मदद करो मेरी, ये मदद तो मैं किसी से भी ले सकता था। भाई कहता है कि देखो नरसिंह, अब हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी जब तुमने शादी की, बच्चे पैदा किए, तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि इनकी शादी करनी है और शादी के लिए धन की आवश्यकता होती है? तो क्या तुम्हें धन कमाने की नहीं सोचनी चाहिए थी? अरे हमारे ऊपर तुमने अपने ये बच्चे पैदा किए हैं क्या? तुमने बच्चे पैदा किए हैं, तुम जानो, और वैसे भी साधु क्या तुम हमसे पूछ के बने हो? अब जब साधु संत वाली बात आ गई तो नरसिंह जी को क्रोध आ गया। नरसिंह जी कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी ना सही, लेकिन तुम मेरे साधु संत होने पर इस तरह से नहीं बोलोगे, ये मेरी स्वयं की मर्जी है, और तुम मेरी मदद ना करो, मेरे ठाकुर जी मेरी मदद अवश्य करेंगे, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। अब जब ठाकुर जी की बात आई तो भाई बंद और पड़ोसी सब दोनों हंसने लगे कि हाँ हाँ ठीक है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ठाकुर तुम्हारी मदद कर देगा तो तुम हमसे क्यों मदद ले रहे हो, हमसे क्यों मदद मांग रहे हो, जाओ अपने ठाकुर से ही लो। अब तो भगवान भी नीचे आकर के मायरा भरेंगे, क्यों ऐसी कुछ है ना नरसिंह? नरसिंह कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं कुछ करना ना सही, पर मेरे ठाकुर जी मेरा सब कुछ करेंगे, इस बात का मुझे पूर्ण भरोसा है। एक भगवान के प्रति एक भक्त का विश्वास यहाँ पे बोलता है कि जो तुम्हें मदद करनी थी तुमने कर दी, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर भाई आप चिंता मत करो, पूरी मदद मेरे ठाकुर जी मेरी कर देंगे, उनका वादा है मुझसे, उन्होंने स्वयं कहा है कि नरसिंह तू पहुँच तो सही, नानी का मायरा तो मैं खुद भरूंगा। इस बात पे दोनों पड़ोसी और सगा भाई हंसने लगे कि ठीक है जाओ,
अपने जैसे लोगों को ले जाओ, और नहीं कुछ तो अंत में अपने भगवान को बुला लेना। भाई तुम तो उनके भक्त हो, तुम बुलाओगे और वो तुरंत आ जाएंगे तुम्हारा मायरा भरने। इतनी बड़ी बात कही नरसी के भाई ने कि तुम बुलाओगे और तुम्हारा भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आएगा कि हाँ हाँ मैं आ गया मायरा भरने, जाओ जाओ पहले कुछ काम धंधा करो। जब तुम्हारे बस की नहीं था कुकु पत्रिका भरना, मायरा भरना, तो कुकु पत्रिका क्यों ली? जरूरी था जोश में आके मूंछ ऊपर करना? अरे नहीं ले, नहीं थी कुछ तो मना कर देते ना साफ साफ कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुकु पत्रिका क्यों ली? नरसी जी ने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, जो भी है मैं कर लूँगा, राधे राधे। इतना कह कर के नरसी जी चल देते हैं। आगे क्या करते हैं नरसी जी नानी बाई के मायरे के लिए अगले प्रसंग में देखेंगे। तब तक के लिए मैं दर्शन शर्मा अगले प्रसंग में मिलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम।